हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू राजेश्री चौहान क्लासेस। आज मैं सेवेंथ स्टैंडर्ड का हिस्ट्री सेकेंड लेसन स्टार्ट कर रही हूँ, जिसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हमने कर दिया है। फर्स्ट पेज कंप्लीट है, पेज नंबर 5। आज पेज नंबर 6 में स्टार्ट कर रही हूँ। इस लेसन का नाम है इंडिया बिफोर द टाइम ऑफ शिवाजी महाराज। तो अभी हम इसका सेकेंड पेज जो है उसे स्टार्ट करते हैं, पेज नंबर 6, सल्तनत इन नॉर्थ। सल्तनत मतलब क्या है? राज होते हैं, मतलब किसने किसने अपने इंडिया के नॉर्थ जो पार्ट है वहाँ पे जिसका किसका सल्तनत था। हु आर द रूलर ऑफ दैट पार्ट इन 1175 CE एंड 1178 CE, सुल्तान मोहम्मद घुरी ऑफ घूर फ्रॉम अफगानिस्तान इन्वेडेड इंडिया। क्या किया था इन 1175 और 1178, मतलब 11th सेंचुरी में, सुल्तान मोहम्मद घुरी, इसने फ्रॉम घूर, कहाँ से वो आया है? घूर कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। ही इन्वेडेड इंडिया, उसने इंडिया पर अटैक किया था। एंड ही अपॉइंटेड कुतुबुद्दीन ऐबक टू लुक आफ्टर द गवर्नर्स ऑफ द कॉन्क्वर टेरिटरी इन इंडिया। और उसने कुतुबुद्दीन ऐबक, अंडरलाइन कर देती हूँ, इसे उसने अपॉइंट किया था, जो भी टेरिटरीज उसने जीता है, कॉन्क्वेड किया है मतलब जीता है, उसका ध्यान रखने के लिए, टू लुक आफ्टर द गवर्नर्स, वहाँ का सब व्यवहार देखने के लिए किसे रखा हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक को उसने रखा था इंडिया में। लेटर आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद घुरी इन 1206 CE, तो अभी 1200 CE के बाद किसका डेथ हो गया है? मोहम्मद घुरी का डेथ हो गया है और 1206 में। और ऐबक बिगेन टू रूल द इंडियन टेरिटरी, और इंडियन टेरिटरी पे, इंडिया पे, जो इंडिया का प्रदेश था, इंडिया का जो हिस्सा है, जो ऐबक ने, मोहम्मद बिन घुरी ने जीता था, तो वहाँ पर अब कौन राज कर रहा है? ऐबक। Under his rule, Ayubak began to rule the Indian territory under his rule independently. और वो खुद ही independently वहाँ पर, वो जो इंडिया का पार्ट था वहाँ पर वो खुद अब रूल कर रहा है। Ayubak who was initially a slave, Ayubak वो कौन था? He was initially, वो पहले से कौन था? Slave था, गुलाम था। He become द रूलर ऑफ दिल्ली, और अभी वो कौन बन गया है? एक गुलाम ऑफ दिल्ली का रूलर बन गया है, मतलब दिल्ली पर वो रूल करने लगा है। ही डाइड इन 1210 CE, और कुतुबुद्दीन जो ऐबक है उसका डेथ कब हुआ है? 1210 CE में उसका डेथ हुआ है। दिस इज सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन अस कि इंडिया में कौन कौन से सुल्तान जो थे उन्होंने रूल किया है आफ्टर कुतुबुद्दीन ऐबक। अल्तमिश, रजिया, बुलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, इब्राहिम लोदी एंड अदर सुल्तान्स रूल्ड ओवर इंडिया, और ये सब लोगों ने इंडिया पे रूल किया है आफ्टर ऐबक, ऐबक के डेथ के बाद, मतलब 1210 के बाद किसने रूल किया है? इन सब ने इंडिया पे रूल किया है। देन इब्राहिम लोदी वॉज द लास्ट सुल्तान। ही मेड मैनी एनिमीज बिकॉज ऑफ हिज पेक्यूलियर टेम्परमेंट। हाँ, उसका जो आदत था, उसकी आदत बहुत ही अजीब थी, इसीलिए उसका स्वभाव अजीब होने के कारण उसके बहुत सारे एनिमीज थे, दुश्मन थे। एंड दौलत खान लोदी, गवर्नर ऑफ पंजाब, इन्वाइटेड बाबर। तो गवर्नर ऑफ पंजाब जो था, कौन है वो? दौलत खान लोदी, उसने क्या किया है? इनवाइटेड बाबर, द रूलर ऑफ काबुल। तो काबुल से उसने बाबर को बुलाया है टू फाइट अगेंस्ट इब्राहिम लोदी, और इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट फाइट करने के लिए उसने बाबर को बुलाया है। एंड बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी, बाबर ने इब्राहिम लोदी को डिफीट कर दिया है, हरा दिया है इन द बैटल, एंड दस द सल्तनत केम टू एन एंड। और इस तरह से जो सल्तनत है
ये अब ख़त्म हो गई है। सल्तनत पावर जो था इंडिया में, देवर रूलिंग ओवर द इंडिया, अब ये ख़त्म हो गया है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि गवर्नर पंजाब का जो गवर्नर है दौलत खान लोधी, इसने किसे बुलाया था? बाबर को बुलाया है। कहाँ से बुलाया है बाबर को? रूलर काबुल से बुलाया है। और काबुल से बुलाने के बाद उसने इब्राहिम लोधी के साथ उसका फाइट करवाया है। ये जो इब्राहिम लोधी है ये सुल्तान था, और इब्राहिम लोधी के साथ फाइट करने के बाद बाबर उसमें जीत गए हैं और इब्राहिम लोधी हार गए हैं बैटल। और इसी तरह से जो सुल्तान रूल ओवर इंडिया चल रहा था, सुल्तान लोगों का इंडिया में जो रूल चल रहा था, उनकी डायनेस्टी थी, ये अब ख़त्म हो गई है। अब स्टार्ट करेंगे द किंगडम ऑफ विजयनगर। ड्यूरिंग द रेन ऑफ सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ऑफ दिल्ली, देर वर मैनी रिवॉल्ट्स इन द साउथ अगेंस्ट द सेंट्रल पावर ऑफ दिल्ली। फ्रॉम दीज रिवॉल्ट अरोज द फॉर्मिडेबल विजयनगर एंड बहामनी किंगडम। मोहम्मद बिन तुगलक जो दिल्ली में सुल्तान था, हाँ हमने यहाँ पर देखा है सुल्तानों के नेम, इसमें दिया है मोहम्मद बिन तुगलक का नेम दिया हुआ है। तो ये जो दिल्ली में अब राज कर रहा था, दिल्ली का सुल्तान था, और उसके रिवॉल्ट उसको विरोध करने के लिए, क्योंकि वो लोग अपना इंडिया में सब जगह पर अपना कंट्रोल में इंडिया को लाना चाहते थे, इसीलिए साउथ में, साउथ साइड में मतलब कर्नाटक के आगे जो भी साउथ पार्ट है इंडिया का, वहाँ पर वो अपना सी इन द साउथ अगेंस्ट द सेंट्रल पावर ऑफ दिल्ली, तो उनके विरोध में जाने के लिए कौन अभी तैयार हो गए हैं? विजयनगर एंड बहामनी किंगडम, ये दोनों पावर अब यहाँ पर उनके विरोध में जाने के लिए रेडी है। हाँ, और ये बहुत ही बड़े पावर है, मतलब इन जो दिल्ली सल्तनत है उसे दहला देने वाले, उसे हरा देने वाले ऐसे पावर बने थे। कौन से थे वो? विजयनगर एंड बहामनी किंगडम, ये दो पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बने थे। वो कहाँ बने थे? साउथ में थे, ठीक है। द ब्रदर हरिहर एंड बुक्का फ्रॉम साउथ इंडिया वर सरदार्स इन द सर्विस ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो हरिहर एंड बुक्का, ये दोनों जो ब्रदर्स थे वो सरदार थे। कहाँ पर सरदार थे वो? दिल्ली सल्तनत में वो सरदार थे। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द इंस्टेबिलिटी इन द साउथ ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक दे फाउंडेड द किंगडम ऑफ विजयनगर। और उन्होंने जब देखा कि दिल्ली में इंस्टेबिलिटी चल रही है, तो उन्होंने साउथ में अपना खुद का एक पावर स्टार्ट किया, किंगडम स्टार्ट किया, उसका नाम था विजयनगर इन द साउथ इन 1336 CE। CE मीन्स कॉमन एरा। देन हम्पी इज टूडेज कर्नाटका वॉज द कैपिटल ऑफ द किंगडम। तो हम्पी इन द कर्नाटका था, वो कैपिटल था इन ऑफ दिस किंगडम। तो ये किंगडम का कैपिटल कौन सा था? हम्पी। अगर आप अभी देखोगे शायद हम्पी आप लोग सर्च करते हो गूगल पर, तो आप लोगों को हम्पी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हरियर वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ विजयनगर। तो विजयनगर जो किंगडम ये लोगों ने स्टार्ट किया था, दे फाउंडेड द किंगडम ऑफ विजयनगर, उसका कैपिटल कौन सा है? हम्पी है। और ये लोग हरिहर वॉज द फर्स्ट किंग, तो अगर मैच करने के लिए आता है या कोई भी अदर ऑब्जेक्टिव्स के लिए ये आंसर आता है, तो यू कैन इजीली राइट 1336 में ये लोगों ने क्या किया है, दे फाउंडेड दिस किंगडम। एंड विच वॉज द फर्स्ट किंगडम ऑफ साउथ? वॉज विजयनगर। हु वॉज द किंग ऑफ दैट किंगडम? हरिहर। एंड वॉट इज द कैपिटल? हम्पी। एंड वेयर वॉज इट? इन कर्नाटक, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लोग इसे याद कर लो। हरिहर वॉज सक्सीडेड बाई हिज ब्रदर बुक्का। बुक्का बॉट द रीजन अप टू रामेश्वर अंडर हिज कंट्रोल। तो अभी हरिहर जो था वो सफल हुआ है, हाँ ही सक्सीड बिकॉज ऑफ हिज ब्रदर बुक्का। बुक्का जो उसका ब्रदर है उसके वजह से ये सक्सेस हो गया है। और बुक्का ने अब जो रीजन्स है रामेश्वर तक, मतलब आप देखोगे रामेश्वरम जो कन्याकुमारी के यहाँ है,
मतलब एट द एंड ऑफ इंडिया, इंडिया का जो साउथ एंड पार्ट है वहाँ तक उसने अपना पावर कंट्रोल में ले लिया था। नेक्स्ट देखेंगे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय असेंडेड द थ्रोन्स ऑफ विजयनगर इन 59 CE। ही कॉन्क्वर्ड विजयवाड़ा एंड राजमहेंद्री एंड एनेक्स द रीजन्स टू हिज किंगडम। और उसने विजयनगर ने क्या, विजय किंग जो कृष्णदेव राय है, जो किंगडम विजयनगर किंगडम का अब क्या बन गया है, ही असेंडेड द थ्रोन, मतलब वो वहाँ का अब राजा बन गया है इन 59 CE। उसने अब विजयवाड़ा और राजमहेंद्री ये दोनों को अपने राज के साथ में, विजयनगर के साथ में जोड़ दिया है। ही डिफीटेड द कंबाइन फोर्स ऑफ द आर्मीज ऑफ द सुल्तान हु हैड यूनाइटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ द बहामनी सुल्तान मोहम्मद शाह। ड्यूरिंग कृष्णदेव राय's रेन द किंगडम ऑफ विजयनगर एक्सटेंडेड फ्रॉम कटक इन द ईस्ट अप टू गोवा। कृष्णदेव राय ने विजयवाड़ा और राजमहेंद्री ये दोनों राज्यों को जीत कर अपने साथ मिला लिया था। और साथ ही उसने क्या किया है, उन्होंने जो सुल्तान की आर्मी थी और जो किसके अंडर कंट्रोल थी, जिसका लीडरशिप कौन कर रहा था, महमूद शाह कर रहा था, उसे भी हरा कर अपने आर्मी के साथ में उसे भी जोड़ लिया है अभी। हाँ, इस तरह से देखो अब जो विजयनगर का साम्राज्य है वो बहुत ही पावरफुल बनते जा रहा है। ड्यूरिंग विजय कृष्णदेव राय's रेन द किंगडम ऑफ विजयनगर एक्सटेंडेड फ्रॉम कटक, तो कटक तक ये अभी एक्सटेंड हो गया है, बढ़ गया है इन द ईस्ट ऑफ अप टू गोवा, तो गोवा तक अभी ये ऊपर ईस्ट गोवा तक आगे तक बढ़ गया है। इन द वेस्ट एंड फ्रॉम द रायचूर डॉब इन नॉर्थ अप टू द इंडियन ओशंस इन द साउथ, मतलब ये अब चारों साइड में जो विजयनगर साम्राज्य है एक्सटेंड हो रहा है, बढ़ रहा है। और जो विजयनगर साम्राज्य के कौन थे किंग, कृष्णदेव राय थे, तो कृष्णदेव राय इनकी मौत, ये ही डाइड इन 1530 CE। और उनकी डेथ कब हुई है, 1530 में कृष्णदेव राय की मौत हो गई है, ही डाइड इन 1530। कृष्णदेव राय वॉज स्कॉलर, ही रोट अमुक्त मल्यादा अ तेलुगु कॉम्पेंडियम ऑन पॉलिसी। कृष्णदेव राय वॉज अ स्कॉलर, ही रोट अमुक्त मल्यादा अ तेलुगु कॉम्पेंडियम ऑन पॉलिटी। कृष्णदेव राय वॉज अ स्कॉलर, वो स्कॉलर थे और उन्होंने अमुक्त मल्यादा ये तेलुगु राजनीति के ऊपर एक बुक लिखी थी। द हजर राम टेम्पल एंड विट्ठल टेम्पल वर बिल्ड इन विजयनगर ड्यूरिंग हिज रेन। और ये जो मंदिर है हजर राम टेम्पल और विट्ठल टेम्पल, ये उनके रेन में ही, उनके राज में ही बनाई गई थी। जब उनका पीरियड चल रहा था तभी उन्होंने ये टेम्पल्स बनवा कर लिए थे। द डिक्लीन ऑफ विजयनगर किंगडम बिगेन विद द डेथ ऑफ कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव राय के डेथ के बाद जो विजयनगर साम्राज्य था वो अब ख़त्म हो रहा था। इन 1565 CE एट तालिकोट इन प्रेजेंट स्टेट ऑफ कर्नाटक There was a battle between आदिलशाही, निज़ामशाही, कुतुबशाही, वरिदशाही on one side and the विजयनगर on the other side। तो फिर उसके बाद तालीकोट जो कर्नाटक में आज प्रेजेंट है वहाँ पर ये जो चारों दिए नेम दिए हैं, आदिलशाही, कुतुबशाही, निज़ामशाही, वरिदशाही, इन सब, ये सब चारों एक साइड और विजयनगर साम्राज्य था वो एक साइड, इस तरह से एक बैटल हुआ। उस बैटल में विजयनगर वॉज डिफीटेड और विजयनगर का अब यहाँ पर डिफीट हो गया है, वो हार गए हैं। देयर फॉर द डोमिनेंस ऑफ विजयनगर केम टू एन एंड, और जो विजयनगर साम्राज्य था अब वो ख़त्म हो गया है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के अगेंस्ट कौन से दो पावर्स तैयार हुए थे,
तो विजयनगर और बहामनी। तो विजयनगर के बारे में अभी हमने देख लिया है, अब हम देखेंगे बहामनी किंगडम के बारे में। दी बहामनी किंगडम, वाइल मोहम्मद बिन तुगलक वॉज स्टिल रेनिंग सम ऑफ हिज सरदार्स इन द डेक्कन रोज इन रेबलियंस अगेंस्ट हिम। द लीडर्स ऑफ दी सरदार्स हसन गंगू डिफीटेड द आर्मी ऑफ द सुल्तान ऑफ दिल्ली। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक है ये अभी भी अपना राज कर रहा था, तब डेक्कन में उसके कुछ सरदार थे, उसके खिलाफ वो लोग क्या कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, रेबिलियन कर रहे हैं। और उनका सरदार कौन था, उनका सरदार था हसन गंगू। उसने उसे उनके सुल्तानों को हसन गंगू था, उसने क्या किया था, उसने सुल्तान की सेना को अब हरा दिया है। ही डिफीटेड द आर्मी ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली का जो सुल्तान था उसका उसने क्या कर दिया है, उसे हरा दिया है। और अब एक नया किंगडम, नया साम्राज्य शुरू हो रहा है, उसका नाम क्या था, बहामनी किंगडम। उसका नाम है बहामनी किंगडम। केम इंटू एग्जिस्टेंस इन 1347 CE में बहामनी किंगडम अब स्टार्ट हो गया है, एग्जिस्टेंस हो गया है, मतलब उसकी शुरुआत हो गई है। हसन गंगू बिकेम द फर्स्ट सुल्तान ऑफ बहामनी किंगडम। और हसन गंगू जो पहले एक सरदार था, अभी वो क्या बन गया है, वो सरदारों का कौन था, ही वॉज द लीडर। और अब वो लीडर क्या बन गया है, सुल्तान बन गया है बहामनी किंगडम का। ही मेड द सिटी ऑफ गुलबर्गा इन कर्नाटक हिज कैपिटल। और कर्नाटक में जो गुलबर्गा सिटी है उसे उसने अपना कैपिटल बना दिया है। तो इसमें भी हम फिल इन द ब्लैंक्स के लिए या मैच के लिए कर सकते हैं, बहामनी किंगडम स्टार्टेड एट 1347, हु वॉज द किंग ऑफ दैट किंगडम, हसन गंगू, एंड वॉट इज द कैपिटल ऑफ दैट, गुलबर्गा, वेयर इट इज इन कर्नाटक। ठीक है, इस तरह से हम इसे मैच करने के लिए भी ले सकते हैं, या अगर हमें टेबल कंप्लीट करने देते हैं इसके लिए भी हम ये आंसर उसे लिख सकते हैं। महमूद गवन वॉज द चीफ वजीर ऑफ बहामनी किंगडम। ही वॉज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। और वो चीफ वजीर था, जैसे सरदार होते हैं या सेनापति कहते हैं मराठी में, हिंदी में, उसी तरह से ये चीफ वजीर था बहामनी किंगडम का। उसका नाम क्या है, महमूद गवन। एंड ही वॉज द गुड एडमिनिस्ट्रेटर। और वो बहुत ही अच्छे से हर कोई व्यवहार राजकारभार अच्छे से चला सकता था। ही स्ट्रेथन द बहामनी किंगडम। और बहामनी किंगडम को उसने बहुत ही पावरफुल कर दिया है। ही स्टार्टेड पेइंग द सोल्जर्स देयर सैलरीज इन कैश इंस्टेड ऑफ थ्रू लैंड ग्रांट्स। और उसने क्या कर दिया है, पहले कैसा था, अगर कोई भी सरदार कोई एक जगह टेरिटरी वहाँ पर जीत कर आते हैं तो उसे उसका 1/4 पार्ट या 1/10 पार्ट उसे गिफ्ट करके दे देते थे कि ये लैंड अभी आपका ही है। लेकिन अभी जो महमूद गवन है इसने ये स्टॉप कर दिया है। उसने क्या कर दिया है, उसने स्टार्ट कर दिया है पे करना। कैसे पे करेंगे, सैलरीज इन कैश। और उनको सैलरी स्टार्ट कर दी है, वो भी कैश पेमेंट करेंगे, जो पहले हॉन्ग थे या मोहरा होते थे, उस तरह से सोने के मोहरे होते थे, इस तरह से अब उन्हें कैश पेमेंट मिलेगा। ही बॉट डिसिप्लिन इन द आर्मी। और उसने आर्मी में भी अब डिसिप्लिन लाया है। ही इंट्रोड्यूस मैनी रिफॉर्म्स इन द लैंड रेवेन्यू सिस्टम। जो लैंड रेवेन्यू होता है, टैक्स देते हैं, उसके ऊपर भी उसने बहुत ही अलग अलग नए नए रिफॉर्म्स लाए हैं। ही ओपन द मदारसा एट द बिदर फॉर अरेबिक एंड पर्शियन स्टडीज। अब मदारसा मतलब मस्जिद होते हैं। ही ओपन द मदारसा एट बिदर फॉर बिदर में उसने मदारसा ओपन किए फॉर अरेबिक एंड पर्शियन स्टडीज, क्योंकि बहुत सारे इन्वेडर्स बाहर से आए थे, जो सुल्तान थे बहुत ही बाहर से आए थे, और उनके साथ में उनके लाखों सरदार आते हैं, और वो उनकी लैंग्वेज कौन सी है, पर्शियन एंड अरेबिक। तो उनको जो इंडियन लैंग्वेज है उसके बारे में कोई भी ज्ञान नहीं होता है, दे डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट द लैंग्वेज। सो देयरफॉर उनको उनके लैंग्वेज में सीखने के लिए, टू स्टडी फ्रॉम देयर लैंग्वेज, उन्होंने अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज स्टार्ट कर दिए हैं।
जो उर्दू लैंग्वेजेस होते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ महमूद गुआन द फैक्टियोनिज्म इंक्रीजेस अमंग द बहामनी सरदार्स। द कॉन्फ्लिक्ट विद द विजयनगर किंगडम हैड एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द बहामनी किंगडम। द प्रोविंशियल गवर्नर्स बिगेन टू एक्ट मोर इंडिपेंडेंटली। तो मोहम्मद गुवन के डेथ के बाद, आफ्टर मोहम्मद गुवन डेथ, जो बहामनी किंगडम्स के सरदार थे वो एक दूसरे के साथ में ही उनका अब मनमुटाव होने लगा था। मतलब एक दूसरे के साथ ही देवर फैक्टोनिज्म इंक्रीज, मतलब एक दूसरे के साथ में ही उनके आपस में मतभेद होने लगे थे। और द कॉन्फ्लिक्ट विद द विजयनगर किंगडम हैड एडवर्स इफेक्ट, और विजयनगर किंगडम के साथ उनका जो फाइट हुआ था उसके बहुत ही बुरे रिजल्ट हुए थे, बहुत ही बुरा इफेक्ट हुआ था बहामनी किंगडम के ऊपर। और इस तरह से ही द प्रोविंशियल गवर्नर्स बिगेन टू एक्ट मोर इंडिपेंडेंटली, और जो गवर्नर्स थे वो अब अपने आप को अलग से इंडिपेंडेंटली, मतलब वो स्वतंत्र से अपना राज खुद करने लगे थे। मतलब पहले पूरा एक किंगडम था, अब अलग अलग होकर वो राज करने लगे हैं गवर्नर्स बहामनी किंगडम। दिस लेड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द बहामनी किंगडम इंटू फाइव स्मॉल पावर्स, और इस वजह से अब बहामनी किंगडम जो है उसे पांच अलग अलग प्रांतों में उसे स्प्रेड कर दिया है, मतलब पांच पार्ट उसके बना दिए हैं। और वो कौन से थे? इमादशाही ऑफ वराड, इमादशाही वराड से, देन बरीदशाही ऑफ बिदर, आदिलशाही ऑफ बीजापुर, निज़ामशाही ऑफ अहमदनगर एंड कुतुबशाही ऑफ गोलकोंडा। तो ये जो तीन नाम है इसे हम अच्छे से शिवाजी महाराज के जो लेसन हमने फोर्थ स्टैंडर्ड में स्टडी किए थे उसमें ये नाम हमने बहुत अच्छे से सुने हैं, आदिल शाह ऑफ बीजापुर, निज़ाम शाह ऑफ अहमदनगर एंड कुतुब शाह ऑफ गोलकोंडा, ये हमें पता है। तो अब न्यू कौन से हमें पता चल गए हैं? इमाद शाही ऑफ वराड एंड बरीद शाही ऑफ बिदर। ठीक है, तो ये फाइव पावर्स अब अपने इंडिपेंडेंटली खुद के राज करने लगे हैं, किंगडम बना दिए हैं, डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट बना दिए हैं वो लोग ने अपने खुद के। नाउ मुगल पावर। इन 1526 CE द सल्तनत ऑफ दिल्ली केम टू एन एंड। मुगल पावर वॉज एस्टेब्लिश्ड हियर। अभी जो सल्तनत थे, सुल्तान लोग थे, वो अब दिल्ली में उनका एंड हो गया है। कब? 1526 में। और किसकी शुरुआत हो गई है? तो स्टार्ट हो गया है मुगल्स। मुगल पावर हमें पता है औरंगज़ेब, ये सब कौन थे? मुगल थे। अकबर, शाहजहां, अकबर, औरंगज़ेब, ये सब मुगल्स थे। हमने इनके नाम शिवाजी महाराज के स्टडीज़ के टाइम पर सीखे हुए हैं। तो दे बिलोंग टू द मुगल्स। नाउ बाबर। बाबर के बारे में हमने अभी देखा था, पीछे पेज नंबर 6 पे हमने देखा है, जो मोहम्मद बिन लोदी है उससे फाइट करने के लिए, बाबर के फाइट करने के लिए दौलत खान लोदी ने किसे बुलाया था? पंजाब इन्वेडर्स था, उसने किसे बुलाया था? बाबर को बुलाया था फ्रॉम काबुल, काबुल अफगानिस्तान से उसने बाबर को बुलाया था। और अब हम बाबर के बारे में स्टडी करते हैं, उनके बारे में देखते हैं। बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल पावर। तो मुगल पावर्स का फाउंडर, मतलब स्टार्ट करने वाले कौन थे? बाबर। ही वॉज द किंग ऑफ फरगाना इन सेंट्रल एशिया इन टूडेज उज्बेकिस्तान। तो आज का जो उज्बेकिस्तान है वहाँ पर कौन था, किसका पावर था? हु वॉज द किंग? बाबर। ही हैड हर्ड द वेल्थ इन इंडिया, और उसने इंडिया के वेल्थ के बारे में, इंडिया में बहुत सारी दौलत है, वेल्थ है, इसके बारे में उसने सुना था। सो ही प्लान्ड एन इन्वेशन ऑफ इंडिया, और उसने इंडिया पर अटैक करने के बारे में, आक्रमण करने के बारे में सोचा था। द रेनिंग सुल्तान ऑफ दिल्ली एट दैट टाइम वॉज इब्राहिम लोदी।
दौलत खान लोधी वॉज द गवर्नर ऑफ पंजाब अंडर द सल्तनत. रिलेशनशिप बिटवीन इब्राहिम लोधी एंड दौलत खान लोधी वॉज स्ट्रेन. दौलत खान लोधी इन्वाइटेड बाबर टू मार्च ऑन इंडिया. टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी बाबर इन्वेडेड इंडिया टू रिपेल बाबर्स इन्वेशन. इब्राहिम लोधी स्टार्टेड विद हिज आर्मी. देर वॉज अ बैटल बिटवीन इब्राहिम लोधी एंड बाबर ऑन 21 अप्रैल 1526 एट पानीपत. इन दिस बैटल बाबर मेड यूज ऑफ एन आर्टिलरी इफेक्टिवली फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया. ही डिफीटेड इब्राहिम लोधीज आर्मी. दिस इज नोन एज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत. तो हमने पानीपत के लड़ाई के बारे में सुना है. तो ये किसके बिटवीन हुई है? बाबर एंड इब्राहिम लोधी. और इब्राहिम लोधी को बाबर ने 21 अप्रैल 1526 में पानीपत में हराया है. और उसने पहली बार यहाँ पर आर्टिलरी इफेक्टिवली, मतलब उसने क्या यूज़ किया था इसमें, उसने तोपों का इस्तेमाल किया था जो इंडिया में इसके पहले कभी भी बैटल में यूज़ नहीं किए थे. इंडिया में जो बैटल्स होते थे उसमें स्वॉर्ड्स है या डंडपट्टा होते थे या डिफरेंट टाइप्स के जो भी जो हैंड यूज़ होते हैं इसका ही इस्तेमाल किया था. लेकिन फर्स्ट टाइम तोपों का इस्तेमाल किया है. और उसने अब इब्राहिम लोधी को इस आर्मी जो बैटल हुआ था उसमें हरा दिया है. एंड देयरफॉर दिस इज़ नोन एज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत. आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत राणा संगा ऑफ मेवाड़ बॉट ऑल राजपूत किंगडम टुगेदर. मतलब ये जो बैटल हुआ था पानीपत का, इसके बाद राणा संगा जो मेवाड़ के किंग है उन्होंने राजपूत किंग्स को एक साथ कर लिया है. देर वॉज अ बैटल बिटवीन बाबर एंड राणा संगा एंड कनवा. और फिर कनवा में उनका एक बैटल हुआ. द बाबर्स आर्टिलरी एंड द रिवर्स फोर्स प्लेड अ की रोल्स इन दिस बैटल एंड रणसंगाज आर्मी वॉज डिफीटेड. अभी बाबर के पास जो आर्टिलरीज है ना, इसके वजह से यहाँ पर भी क्या हो गया था, उसका मेन रोल क्या है, जो आर्टिलरीज यूज़ कर रहे हैं इसके वजह से, तोपों के वजह से जो दूसरों की, मतलब अपोजिट आर्मी जो है उनके जो उनकी जो पावर है वो कम पड़ रही थी. और उनका फिर यहाँ पर हार हो रहा था. तो राणा संगा भी यहाँ पर इतने सारे दूसरे राजपूत किंग्स को साथ में लेकर फाइट करने के बावजूद वो अब हार गए हैं. बट बाबर डाइड इन 1530 CE. और 1530 CE में बाबर का डेथ हो गया है. और बाबर इंडिया में कब आए थे? 1526. मतलब वो 4 ईयर्स तक उन्होंने इंडिया में क्या किया था, अपना राज चलाया है. और वो भी सबको हरा कर. तो बाबर के बाद इंडिया में और कौन कौन से मुग़लों ने अपना राज किया था? हु वर द मुगल्स आफ्टर बाबर? वी विल सी इन द नेक्स्ट पार्ट. तो बच्चों अब मैं ये वीडियो यहीं पर स्टॉप कर रही हूँ. और नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को आगे का लेसन एक्सप्लेन करूँगी. साथ ही मैं आप लोगों को इसके नीचे जो क्वेश्चन आंसर्स ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं वो भी सारे एक्सप्लेन करके उसके आंसर्स भी आप लोगों को दे रही हूँ. तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखें. आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें. मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप लोगों को आगे के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे. थैंक यू.